अगर आप ओला S1 एयर का प्री बुकिंग कराए हैं और इसकी डिलीवरी आप लेना चाहते हैं तो आपको एक महीने का और भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कंपनी के CEO ने भाविश अग्रवाल जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इन्होंने ओला S1 एयर का टेस्ट राइड लिया है और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि इसकी डिलीवरी जुलाई से स्टार्ट की जाएगी। आपको बता दें ओला S1 एयर जो कि ओला S1 प्रो का लोअर वेरियंट है, इसके साथ ही इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ओला S1 एयर में थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, जैसा कि ओला S1 प्रो में आपको सिंगल साइड फॉग देखने को मिलती है, लेकिन इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें इनकी जो प्राइसिंग होने वाली है ये भी थोड़ी सी बढ़ेगी, प्राइस की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्कूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे दें। तो ये बात तो कन्फर्म है कि इसकी डिलीवरी जुलाई से स्टार्ट की जाएगी, उसी समय इसका आप टेस्ट ट्रायल ले सकते हैं और उसको उसी समय खरीदा भी जा सकता है। इस स्कूटर में 3 बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है, एक 2 किलोवाट बैटरी पैक, एक 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक और एक 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक लेते हैं तो इसमें आपको IDC रेंज 85 किलोमीटर पर चार्ज की मिलती है। 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 125 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिलती है, तो वहीं 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 165 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिलती है। वहीं सभी वेरिएंट का टॉप स्पीड 85 KMPH तक है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ नहीं आती है। साथ ही इसमें CVS दिया गया है, LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, 7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वगैरह के साथ ये आ जाती है। वह इसमें आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, रिवर्स मोड दिया गया है, 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और OTA अपडेट इसमें आपको मिलता रहेगा। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 1 जून से सभी इलेक्ट्रिक सेगमेंट के जो स्कूटर्स हैं या फिर बाइक हैं उनकी प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सब्सिडी आपको मिलती थी पहले 40% मिलती थी एक्सन प्राइस पे, अब आपको केवल 15% की मिलेगी। इसी वजह से आपको इसकी प्राइसिंग में ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जो इसकी प्राइसिंग है ओला S1 एयर की 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ एक्सन प्राइस 84,999 रुपीज है, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 99,999 रुपीज तक एक्सन प्राइस है, तो 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 109,999 रुपीज तक एक्सन प्राइस है। लेकिन ये सभी प्राइस इस समय की है और इस स्कूटर को अभी केवल प्री बुकिंग लिया जा रहा है, लेकिन इसका परचेस विंडो ओपन होगा जब इसको डिलीवर किया जाएगा उसके कुछ टाइम पहले, तो उस समय की प्राइसिंग आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब्सिडी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। तो अगर आप ओला S1 एयर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे ज्यादा पैसे अब देने पड़ सकते हैं। बाकी अगर आप इंतजार कर रहे थे कब आपको डिलीवरी मिलेगी, तो 1 महीने बाद आपको इसकी डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। किस स्टेट से किस सिटी से कंपनी स्टार्ट करेगी डिलीवरी, इसके डिटेल अभी नहीं आई है, लेकिन डिटेल जैसे आ जाएगी आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी की नई गीगा फैक्ट्री जो कि सेल गीगा फैक्ट्री है उस पर भी कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के CEO ने ये भी ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी है, देख सकते हैं यहाँ पे इनका काम प्रोग्रेस चल रहा है। अब इनके जो बैटरी है आने वाले समय में जो इनकी बैटरी की सेल होती है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।